कौन है सिद्धू मूसेवाला, मूसेवाला की हत्या क्यों की गई, आखिर कौन है हत्या करने वाला कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराग, सोशल मीडिया पर मूसेवाला को क्यों बताया जा रहा है जातिवादी। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनता आवाज। आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो आपको हमने वीडियो के शुरुआत में बताए हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कौन है सिद्धू मूसेवाला। 11 जून 1990 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में एक पंजाबी परिवार में जन्मे सिद्धू मूसेवाला एक भारतीय गायक, गीतकार और अभिनेता थे जो पंजाब संगीत और पंजाबी सिनेमा से जुड़े हुए थे। पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में अपनी छाप छोड़ने वाले सिद्धू मूसेवाला का असली नाम सुखदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू मूसेवाला ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर की पढ़ाई की थी। सिद्धू मूसेवाला के गायकी के अनोखे अंदाज को देश दुनिया के तमाम लोगों ने सराहा था, जिसके तहत इनके सुपरहिट गाने AK-47 यूके एकल चार्ट में शामिल हुआ था। दूसरी ओर साल 2020 में द गार्जियन की ओर से 50 लेटेस्ट कलाकारों की सूची में सिद्धू मूसेवाला को भी शामिल किया गया था। सिद्धू मूसेवाला ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया और दिसंबर 2021 में राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी में जुड़े, जिसकी एक तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी एक दिन पहले ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को वापस लिया था, इसलिए पंजाब की भगवत मान सरकार को भी तमाम पॉलिटिक्स पार्टियों द्वारा घेरा जा रहा है। अब साथियों, बात करते हैं कि इनकी हत्या किसने की। तो साथियों, आपको बता दें, इनकी हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली है। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। फेसबुक पर शेयर की गई इस पोस्ट में लिखा है कि आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई, हम सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, यह हमारा काम है। मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत सिंह, मिदु खेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमें यह भी पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था, दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया। तो साथियों, अब ये आप जान चुके हैं कि गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला को क्यों मारा, लेकिन अब यह भी जान लेते हैं कि गोल्डी बराड़ आखिर है कौन। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतेंद्र सिंह है। गोल्डी बराड़ कनाडा का एक गैंगस्टर है और भारतीय अधिकारियों द्वारा कई आपराधिक मामलों में वांटेड है। इसी महीने फरीदपुर के एक कोर्ट ने जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के आरोप में बराड़ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो साथियों, ये थी उनकी पूरी हत्या की कहानी। अब बात करते हैं कि पंजाब के मशहूर सिंगर मृतक सिद्धू मूसेवाला पर जातवादी होने के आरोप क्यों लग रहे हैं। साथियों, आपको बता दें, द सूत्र और न्यूज वीक के फाउंडर एडिटर सुमित चौहान ने अपने YouTube चैनल की एक वीडियो लिंक ट्वीट पर शेयर करते हुए लिखा है कि आदमी चला जाता है, पीछे उसके अच्छे बुरे कर्म रह जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या बेहद दुखद है, लेकिन उनके भीतर भरा जातवाद भी याद रखा जाएगा। तो वहीं एक और ट्विटर यूजर सुधीर गौतम लिखते हैं कि लकवीर की लिंचिंग पर जिनके होठ सिले हुए थे, आज वे दहाड़ लगा रहे हैं। क्या लकवीर इंसान नहीं थे? जात देखकर मुंह खोलने वालों को पहचानिए। सुमित चौहान की पोस्ट पर कमेंट में ज्योति कुमारी नामक यूजर लिखती हैं कि मृत किसी की भी हो दुखद है, लेकिन जब एक नेता या अमीर आदमी मरा हो तो पूरा सोशल मीडिया और बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी छाती पीट पीट कर रो रही हैं, लेकिन रोज इस देश में दलितों को और उनकी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है,
और उन्हें मारा जा रहा है तब कोई नहीं रोता, शर्मनाक। तो साथियों यह थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे की पूरी कहानी। सिद्धू मूसेवाला पर जातवादी होने के आरोप क्यों लगे यह भी मैंने आपको बताया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।